वो कहते हैं कि शादी के बाद जाना, अपने पति के साथ घूमना एंड ऑल, वो ज्यादातर मेरे हिसाब से सभी लड़कियों के साथ दिक्कत होती है। तो फिर मैंने एक बार, हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना हुई थी, तो बुआ है मेरी, मतलब मेरे पापा की चाचा की बेटी, तो वो, मैंने उनसे कहा कि वो वृंदावन जाती रहती है, तो मैंने उनको कहा कि एक बार मुझे भी दर्शन करा के लाइए आप बिहारी जी के। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलेंगे कभी। फिर फूफा जी भी मान गए। उसके बाद मैंने कई बार ट्रेन की टिकट कराई, वो कैंसिल हो गई, क्योंकि शायद बिहारी जी का मन ही नहीं था कि मैं अभी आऊँ। आज फाइनली मैं आ पाई हूँ यहाँ पे जी, और अपनी बुआ के साथ, और मैं उनका भी बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। उनका भी बहुत सहयोग है मुझे यहाँ तक लाने में, और ये तो मेन है ही सबके ही लाइफ में। इन्हीं की कृपा नहीं होती तो नहीं आ पाते, इन्हीं की कृपा से आ पाए हैं। और काफ़ी बार इन्होंने शैतानी भी करी है कि टिकट करा करा के मेरे कैंसिल करा दिए। मैंने 2-3 बार टिकट कराए, आने की कोशिश करी, बैग पैक भी कर लिया, कभी मम्मी ने कुछ कहा, कभी पापा ने कुछ कहा, नहीं आ पाई। लेकिन फाइनली आज मैं आ पाई हूँ, और मैं बहुत 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 खुश। मैं बरेली से आई हूँ। बरेली के पास में एक छोटी सी जगह है फरीदपुर, एक टाउन है, वहाँ से मैं आई हूँ। और मेरा बहुत मन था बहुत टाइम से कि मैं बिहारी जी के दर्शन करूँ। मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती हूँ काफ़ी टाइम से। सबसे पहली बार मैंने लड्डू गोपाल जी लिए थे अपने आप से, क्योंकि मैंने सुना था कि सब लोग किसी को भी गिफ्ट करना होता है ये, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करा था। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी खुद से लिए थे। उसके बाद मैंने BTC करने के लिए मैं हापुड़ डाइट गई थी। फिर मैंने, मेरी चाची ने मेरे लड्डू गोपाल जी ले लिए थे, कि एक तो वो गिफ्ट नहीं किए हुए थे किसी के, और दूसरी बात कि मैं उस टाइम उनकी सेवा सही तरह से कर नहीं पाती थी, क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज जाती थी। फिर लड्डू गोपाल जी 2 साल तक मेरी चाची के पास रहे थे। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को दोबारा से लिया, वो मेरी चाची ने मुझे गिफ्ट करे थे। ये हैं वो छोटे से नटखट, मैंने प्यार से बाबू कहती हूँ। वैसे हमने इनका नाम पहले कुंज रखा था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहना, और ये बहुत सारी छोटी छोटी शैतानियाँ भी करते हैं। अगर मैंने कभी कभी इनसे कह देती हूँ कि आज तुम्हें ये खिलाऊंगी बाबू, और अगर कभी मैं नहीं खिलाती हूँ तो ये प्लेट प्लेट भी फेंक देते हैं। जैसे मैं पर्दा बंद करती हूँ, उसके बाद वो प्लेट गिर जाती है अगर मैंने इनको ये नहीं खिलाया। कभी कभी ये शैतानी भी बहुत करते हैं। जैसे एक बार होली थी, हम होली खेल रहे थे, और इन्हें मैं रंग लगाना भूल गई थी। तो इन्होंने, होली जो हम खेल रहे थे उसमें, पता नहीं इन्होंने कैसे काला तेल का डिब्बा रखा हुआ था, वो खुद से गिर गया उसमें, जो हमारा रंग था, और तब हम काले पीले हो गए। फिर हमें ध्यान आया कि अरे इन्होंने तो कलर लगाया ही नहीं है, तो इन्होंने अपनी तरह हमें भी काला पीला कर दिया। लेकिन फाइनली आज मैं आ पाई हूँ, और मैं बहुत 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 खुश हूँ, और मैं बहुत जल्दी दोबारा भी आना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बुआ की बेटी है मेरी, और ये है बाबू। इनको तो मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था। थैंक यू।